हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का स्पेशल लेक्चर रहेगा, आज जो आपका मैथ्स का सेट का एग्जाम हुआ था क्लास नाइन्थ में, उसके सॉल्यूशन को लेकर। ये पेपर है आपका बेटा, और अब वन बाय वन हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस का क्या आंसर आना था। फर्स्ट सम, हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन माइनस वन एंड टू। माइनस वन और दो के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। हमें पता है बेटा कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइटली बहुत सारी क्या निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, दो परिमेय संख्याओं के बीच में ढेर सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसका क्या आना था आंसर, इनफाइनाइटली। सेकंड, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें इस बहुपद का शून्यक निकालना था। कैसे निकालते हैं हम बेटा, इस बहुपद को ही, इस पॉलिनोमियल को ही किसके बराबर रख देते हैं, हम जीरो के बराबर रख देते हैं और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वन प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का। टू मल्टीप्लाई गुना में है, दूसरी साइड जाएगा भाग में, और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं बेटा थर्ड सम को। थर्ड सम, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 13:5 देन द एंगल्स आर। यदि दो पूरक कोण 13:5 के अनुपात में है तो कोण निकालने हमने। पहले हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण क्या होते हैं बेटा, वो दो कोण जिनका जोड़ कितना हो, 90 डिग्री हो। तो आपके पास ऑप्शन है, पहले यही देख लो कि इनमें से किसका जोड़ 90 बनता है। इन दोनों का जोड़ भी 90 नहीं है, ज्यादा है। इन दोनों का जोड़ 90 से कम हो गया, इन दोनों का जोड़ भी 90 से ज्यादा हो गया। मतलब आंसर तो हमें मिल ही गया, 13:5 का यहाँ क्या मतलब है, इनको काट के देखो जरा, 5 से काटे इनको, यहाँ पे 13 डिग्री आना है और ये 5 डिग्री आना है, तो ये इस अनुपात में। जब हमें इजीएस्ट मेथड, सबसे आसान मेथड से हमारा ऑप्शन मिल रहा है तो हम वही लगाएंगे। फोर्थ सम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है हमने बतानी है। ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, ये वाली नहीं होती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट सम, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें इस बहुपद की घात निकालनी है। बहुपद की घात हम कैसे निकालते हैं, हम वेरिएबल की पावर देखते हैं, चर की देखते हैं। मान लो x में है तो x की हाईएस्ट पावर देख रहे हैं, या फिर y में है तो y की हाईएस्ट पावर देखते हैं। यहाँ पे रूट थ्री है, रूट थ्री के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे वेरिएबल की पावर जीरो है बेटा। किसी की भी पावर जीरो होती है उसका मतलब क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे हमें बहुपद की घात क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। आप इसको ऐसे बिल्कुल मत कर देना कि रूट थ्री का मतलब 3 की पावर 1/2, तो पावर 1/2 होगी, नहीं गलत हो जाएगा बेटा। हम है ना वेरिएबल चर की पावर देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना था, ए जीरो है यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 6, पाई इज अ रैशनल नंबर। क्या पाई एक परिमेय संख्या है, हमें बताना है सही है गलत। बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसने कहा था परिमेय, मतलब इसने गलत कह दिया। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, ये बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी त्रिभुज देख लीजिए, मान लो इसकी ये भुजा 4 है, ये 5 है और ये 6 है, किन्हीं भी दो को जोड़ लीजिए, वो हमेशा तीसरी से बड़ी मिलेगी ही मिलेगी। तो ये कथन, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, खाली स्थान भरने हैं, कॉफिशियंट बताना है, किसका, एक्स की दो का। तो एक्स की दो की देख लो ना, किससे गुना हो रही है, क्या लिखा हो यहाँ पे, 2 - x² + x³। तो एक्स की दो के साथ बेटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, वन तो है ही ना, और साथ में माइनस भी है, तो यहाँ पे कॉफिशियंट हम क्या लेंगे, -1 लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बेटा, 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी होती है जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हों। ठीक है, अब ये भुजा इसके बराबर,
और हमने एक थ्योरम पढ़ी है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला कोण बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने वाले कोण बराबर, मतलब तीनों ही कोण बराबर। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा, 180 होता है। तीन बराबर बराबर हिस्सों में बांटो, कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा, बराबर। ठीक है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, इनको कौन से बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सरल करो, इसको सरल करना था। यहाँ पे इसकी घात क्या है बेटा, दो है, पावर टू है, मतलब इस सारे को हम दो बार लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने इस सारे को दो बार, और अब दो ब्रैकेट्स की गुना करनी हमें आती है। इन दोनों की गुना करेंगे वर्गमूल 25, इन दोनों की गुना करेंगे वर्गमूल 35, अब इन दोनों की गुना करेंगे वर्गमूल 35, और इन दोनों की गुना करेंगे वर्गमूल 49। 25 का वर्गमूल 5, वर्गमूल 35 में वर्गमूल 35 जोड़े, दो बार वर्गमूल 35 हो गए, और 49 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या आएगा, 7। और क्या कर सकते हैं, 7 और 5 को जोड़ दो, 12 प्लस में 2 वर्गमूल 35। ठीक है, क्या आंसर आ गया बेटा, 12 प्लस में 2 रूट 35। सिंपली हमें क्या दे रखा था, पावर 2 दे रखी थी, तो हमने इसको दो बार लिख दिया है, फिर ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हमें आता है, जितना हम सिंपलीफाई इसको कर सकते थे उतना हमने कर दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:3:4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। अनुपात दे रखा था, हम कोण ही मान लेते हैं, पहला कोण हमने मान लिया 2x है, दूसरा कोण हमने मान लिया 3x है, और तीसरा कोण हमने मान लिया 4x है। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा, 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, 4 × 7 = 9x = 180। और यहां से हमें सीधा सीधा बेटा किसकी वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू मिल गई है, बट हमें x नहीं निकालना था, हमें इन तीनों कोणों में से सबसे बड़ा कोण निकालना है। x की वैल्यू रखो 20, 20 × 2 = 40, 20 × 3 = 60 और 20 × 4 = 80। तो सबसे बड़ा कोण ग्रेटेस्ट का कितना मान हो गया, 80 डिग्री का सबसे बड़ा कोण हो गया। देखिए बेटा कितना आसान क्वेश्चन था, हमें कोणों का अनुपात दे रखा था, हमने उस हिसाब से लेट कर लिया, इनको एज्यूम कर लिया, मान लिया, फिर एक प्रॉपर्टी लगा दी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, वहां से x की वैल्यू और वापस रखी तो हमें सबसे बड़े कोण का मान, वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल हमें मिल गई है। ठीक है, डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। दो तरीके बेटा, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, या फिर एक और मेथड से भी कर सकते हो। कैसे, एक्स माइनस ए जो है इसको 0 के बराबर रखो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, अब इस वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में रख दो, x की 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस में a, x की जगह a रखेंगे, यहां पे भी x की जगह a रखेंगे, x की जगह a रखेंगे, और ये सॉल्व करें जरा क्या बनेगा, देखिए बेटा ध्यान से, a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, 5a, ये आपका आ जाएगा शेषफल, रिमाइंडर आ जाएगा,
ये हमने बेटा एक थ्योरम के रिजल्ट से निकाला है, ठीक है। ये मेथड कंपैरेटिवली डिवाइड वाले से आसान है, इसलिए ये आपको बताया है। भाग वाले से निकालेंगे तब भी आपका आंसर सेम आना है। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमें जिस बहुपद से इसको भाग देना था वहां से x की वैल्यू निकाल ली, और जिसको भाग करना था वहां पे x की जगह वो वैल्यू पुट कर दी है। जो बचता है वही आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। ये थ्योरम है बेटा, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय है, उसके रिजल्ट से इसको निकाला है। और अब लास्ट क्वेश्चन, ये फिगर आपको दे रखी है और आपने क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, और दिया क्या हुआ है, लाइंस पैरेलल दी हुई है। अब हमें पता है एक लाइन पे बने एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 180 होता है। ये कितने का है, 50 डिग्री का है, तो ये कितने का आएगा, 130 डिग्री का आएगा। सीधा ही सीधा ही है, लाइन बना रहे हैं, लाइन पे दोनों कोनों का जोड़ 180 होना चाहिए ना। 180 में से 50 को माइनस कर दो, कितने का आया, 130 का आया। अब हमें गिवन का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये लाइंस दो पैरेलल समांतर और एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो ये वाले कोण बेटा बराबर होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। तो वाई की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री आ जाएगी। हमें एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी थी, बुक में है ये क्वेश्चन सेम, बट उसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, साथ में ये आपको दिया नहीं हुआ था। तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये तो ठीक है, ये कौन 50 डिग्री का, तो x की वैल्यू सीधा आ जाएगी 130 की। यहां से कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है जब दो लाइंस कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी कितने का आएगा, 130 का। x और y दोनों बराबर हैं, परंतु ये एकांतर कोण है, इसलिए लाइंस क्या हो जाएंगे हमारे पास, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ये आपके एक्सरसाइज में से दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका सेट का पेपर था, मुश्किल नहीं था, अगर आपने बड़े ध्यान से चीजों को समझा है तो आपने इस पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है बच्चे। इस पेपर की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड करके अपनी फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं, फर्दर आपके काम आएगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।